Thank you. Thank you, guys. Thank you. Sunny, aaiye. Sunny ke liye zordaar taaliyan ho jaye. May God bless you. I'm a huge fan. थैंक यू सनी. थैंक यू. आज मैं इतना खुश हूं कि आप मेरे शो पर आई हैं. लव यू सिद्धू पाजी. मी टू. दोस्तों, हेलो एंड वेलकम टू द कृष्णा अभिषेक शो. द कृष्णा अभिषेक शो. या लेकिन यहाँ तो कपिल शर्मा शो. वो मेरे स्कूल का नाम है. हाँ, मेरा असली नाम कपिल शर्मा है. हाय कपिल शर्मा. शर्मा, बट I've met your wife. Unka wo surname Sharma? Sharma? Actually, Sidhu Paji confused ho rahi hai. Inhone kisi aur ko dekha hai na yahan par. Wo show shuru karte hain, hosting karte hain. Actually, us bande ko maine rakha hai yahan pe. Oh. Haan. Dekho, Paji, sabka ghar chalna chahiye. Yeah. Achha aadmi, is a talented person. Sure. Haan, wo yahan par aata hai, sirf ek hi cheez kehta hai. Hello, good evening and welcome to the Kapil Sharma Show. How are you, Sunny? Good. शो लाने में इन्होंने एक साल लगा दिया और अब एक मिनट भी नहीं लगाया यहाँ पर आने के लिए. क्या खिचड़ी क्या पका रहा था? मैं कोई खिचड़ी नहीं भाई. मैं तो ऐसे ही बता रहा था इसको कि आप हमारे शो के मालिक हैं और इन्होंने मुझे रखा है यहाँ पर आने जाने के लिए परफॉर्म करने के लिए. तो ये बता रहा था मैं भाई. मैं आप ऐसी बीच में आ गए, मेरी अच्छी खासी खिचड़ी पक रही थी यहाँ पे. खिचड़ी पका रहा था वो? इधर इटालियन पास्ता विद व्हाइट ग्रेवी है तू. तो एक बार जोरदार तालियां सनी के लिए. सनी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. थैंक यू. पाजी देख तो रहे हैं बीच में पलक झपक रहे हैं कि नहीं. खड़क उठे हैं शोले, मस्त माहौल हो जाता है. वाह, अरे देखकर ऐसा जलवा दिल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है. वाह, पत्थरों को भी मोम कर दें अपने हुस्न से, आपके छू लेने से पानी भी पेट्रोल हो जाता है. ये निकला कमाल. वाह. और सनी और कृष्णा जिस गाने पे भी डांस कर रहे थे लवली एक्सीडेंट, इसके म्यूजिक वीडियो में दोनों ने साथ में काम किया. एक बार जोरदार तालियां इनके लिए. थैंक यू. थैंक यू. अरे देख लो, इस शो पे आते ही मार्केट ऊंचा होगा बंदे का, सीधा सनी लोनी के साथ छा गया. अरे भाई पगार में छा गया. अच्छा वैसे सनी, और भी लोग थे इंडस्ट्री में विद गुड सेंस ऑफ ह्यूमर, गुड लुकिंग पीपल, कुछ मिनिस्टर्स भी हैं जो चाहते हैं कि हम सनी के साथ म्यूजिक वीडियो करें. Why only this man? क्योंकि nice है, funny है. है. और हमने बहुत अच्छी तरह काम भी किया. We did a lot of hard work on this song. Thank you so much, Sunny. एल्बम खत्म हो गया, अब आप ही ने काम देना है. Sunny, you please come closer to me. Okay. And मैं तू कहाँ एडजस्ट हो रहा बीच में? अरे आपको तो पता है भाई, मैं तो कहीं भी एडजस्ट हो जाता हूँ. ये बंदा एडजस्ट होने में माहिर है. आपको पता, किसी का पजामा सूखने पड़ा हो ना, तार जंप मार के उसमें एडजस्ट हो जाता है. पाजी ये गलत बात है. पहले एपिसोड में मुझे कपिल ने कहा था कि यहाँ लॉन्जरी वाली बातें नहीं करना. मैंने कहा तुम नहीं करना, मैं तो करूंगा ही. मैं तो कर सकता हूँ ना, पजामा तो कुछ नहीं है. किसी का पेटीकोट ब्लाउज में भी एडजस्ट हो जाता, अभी देखिएगा आपको. अभी जाता क्या और सुनाऊं? हाँ ठीक है, मैं जा रहा हूँ. लेकिन आप एक चीज ध्यान रखना. क्या? अब जो यहाँ पर आने वाला है ना, उसको आप नहीं रोक पाओगे. कौन? अभी देख लेना आप. ओह, और एक मिनट, एक मिनट. कपिल, यू आर लुकिंग हॉट बेबी. थैंक यू. मैं ना सनी को देख के अपने सवाल ही भूल गया. माहौल ऐसा हो गया ना एक्चुअली, क्योंकि आप बहुत ज्यादा खूबसूरत हैं, मैं बहुत ज्यादा बैचलर हूँ. आपकी शादी अब भी इतनी सी हुई थोड़ी सी.
वो चलता है. लेकिन आप बहुत खूबसूरत हैं और मैं बहुत बैचलर हूं और सिद्धू जी बहुत ज्यादा जेलस है. लेट हिम बी जेलस. अच्छा, लवली एक्सीडेंट नाम के इस गाने को लोग काफी अप्रिशिएट कर रहे हैं यूट्यूब पे. इसके ऑलरेडी 6 मिलियन से ज्यादा व्यू हो चुके हैं. आपको बहुत बहुत मुबारक उसके लिए. लेकिन मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ कि गाने का जो टाइटल है लवली एक्सीडेंट, आपकी लाइफ में कभी ऐसा कोई लवली एक्सीडेंट हुआ है? हाँ, बहुत लवली. June 21st, 2017 मुझे मालूम पड़ा कि मेरे 3 बच्चे होंगे. एक नहीं, दो नहीं, 3. कांग्रेचुलेशंस. और पाजी सनी को जो लोग जानते हैं उनको तो पता है कि ये दिल की इतनी अच्छी है, इन्होंने भी एक बेटी अडॉप्ट की. सो हाउ ओल्ड? She's 3. और बेबीज तो बहुत छोटे हैं. 10 महीने के हैं. 10 महीने के हैं. सो स्वीट सनी. और 3 बच्चों की माँ हो गई है सनी. बहुत बहुत मुबारक आपको. थैंक यू. अच्छा सिद्धू भाजी, एक चीज तो है, सनी इतनी खूबसूरत है ना कि देखने वाला देखता रह जाता है. जैसे आपने भी पलक झपकी नहीं है पिछले 15 मिनट से. मेरी माँ ने आज तुम्हें बहुत करीब से देखा है पहली बार. मम्मी सनी, आपने बहुत ही बेहतरीन वीडियो जो बनाया है और उसके बाद आप यहाँ पे आई हो. पर जरूरी नहीं है कि कुछ प्रमोशन ही करना हो. वैसे आ जाओ, अच्छा लगता है मिलके. आप मुझे बुलाओगे तो मैं आ जाऊंगी. मैं तो इधर ही रहता हूँ, तुम कभी भी आ जाया करो. इतना टाइम लगाया बुलाने के लिए, सो देन मैं क्या करूँ? तो आते रहा करो आप. हम तो म्यूजिक वीडियो बना सकते हैं यहाँ पे. देखो आप, मैं यहाँ पे गाना गाऊंगा, आप यहाँ पे डांस कर लेना. Okay. सिद्धू भाई थोड़ा और जल जाएंगे और क्या है. सनी, आप भविष्य में जो भी म्यूजिक वीडियोस करें, फिल्में करें, आपको ढेर सारी शुभकामनाएं. एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. एक बार सनी के लिए जोरदार तालियां. थैंक यू. कपू शर्मा कहां गए? कपू शर्मा, तुझे कितनी बार कहा है बे? खाना बनने के बाद आया कर, मांगने आ जाता है. कितनी बार कहा कुकर की सीटी सुना कर, फिर आया कर. कपू शर्मा, जिस बात का डर था वही हो गया. तुझे इंग्लिश आ गई? आपको पता है आपके दादाजी आ रहे हैं. हैं? हैं? तू मजाक तो नहीं कर रहा? मजाक? आप मेरी साली हो, मैं आपके साथ मजाक करूंगा. अच्छा, सालियों को तो जैसे इसने हसास आके मार ही दिया है. अपनी सालियों को इतने गंदे गंदे जोक सुना ना भाजी. पहली बार ऐसा हुआ सालियों ने अपने जीजा को साला कह कह के पीटा. अच्छा, मतलब पहले पारिवारिक बेइज्जती होंगी. नो प्रॉब्लम पाजी, मैं फिर बताता हूँ इनके बारे में. नॉर्मली दादे पोते में प्यार होता है, लेकिन इनके दादे के प्यार की वजह से पोते हो रहे हैं. इनके दादाजी जिस एरिया में जाते हैं जाकर दादी लॉन्च करके आ जाते हैं. उतने पाजी देश में सुलभ शौचालय नहीं होंगे जितने इनकी दादियां हैं. अरे देख लो, ये एटीएम भी बोल सकता था, पेट्रोल पंप भी बोल सकता था. सुलभ शौचालय अपना लेवल नहीं भूलता. सुलभ शौचालय नहीं. मैं तो आपकी तरह उनको भी नहीं भूलता जिनसे 8 लाख रुपए लिए होते हैं. खड़ा. क्या हुआ? क्या हुआ देव जी, आपका मुंह क्यों उतरा हुआ है? क्योंकि इनका दादा उतरने वाला है. दादा या कच्चा जो उतरने वाला है? आप ही ना कैसे कैसे लोगों को मुंह लगा लेते हो, अकल से काम लिया करो. हाँ जी, जैसे इन्होंने बड़ा अकल का काम किया है बच्चा से के साथ शादी करके. देवर जी, अगर आपके दोस्त का यूज हो चुका हो तो मैं इसे यूज और थ्रो कर दूं. भाभी रहने दो ना इसको, मैं पहले परेशान हूँ, दादा आ रहा मेरा है. तो देवर जी कुछ सीखो मुझसे, मेरी भी तो सास आने वाली है. मैंने उसको गलत पता बता दिया, अब देखती हूँ वो कैसे ढूंढेगी. तब तक उसको यमराज ढूंढ लेगा जब तक उसको पता भी नहीं मिलेगा. पर भाभी, मेरे दादा को मेरे सारे एड्रेस पता, मैं क्या करूँ? ओहो भाभी, आप कितनी सुंदर हो, कितनी क्यूट हो, कितनी प्यारी हो आप. वो तो ठीक है, लेकिन दादा को मैंने नहीं रखना घर. ये कह रहा था भाभी थोड़ी मोटी हो गई है. ओ हेलो, तू मुझे मिल कभी काका गली में, तेरी जांग पे बैठ के तेरी जांग ना तोड़ दी फिर कहना. अच्छा शर्मा, मुझे एक बात बताओ, किसी रिष्ट पुष्ट महिला को पिटवाना हो तो गुंडियां कितने पैसे लेती हैं? वो सब छोड़, चंदू देख इधर. हाँ, बोलो बोलो. तू मेरा दोस्त है, हम एक दूसरे के काम आते रहे, आते रहे. कभी मैंने तेरी मदद कर दी, कभी तूने मुझसे मदद मांग ली. ओके, होता रहा होता रहा. मेरा दादा दूर खड़े. ठीक है. ओ हेलो.
एक तो ना एक क्राइम पेट्रोल वाला रिएक्शन देता, ऐसे रिएक्शन देता कि ना मुंह इसका मौका ही वारदात जैसा हो गया देखो। एक मिनट। हाँ जी। इधर आओ जरा। इधर आ गया। मुझे धक्का देना है आपको। बच्चों पीछे। दिमाग ही खराब कर देते मेरा तो। बड़ा तितली बाबी करते थे मुंह पे जवाब देकर ये काम करता हूँ काम खराब जरा करो 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 फटाफट। हेलो तिजोरी जी वो आप अपनी बहू का घर ढूंढ रही थी ना। हाँ उनका घर पुणे में नहीं है मुंबई में गोरेगांव में। हाँ चंदन मान जा नहीं तो बदला लेना मुझे भी आता है। देखो मेरी बात सुनो कपूर शर्मा चार बज गए। हाँ दादा आपके आए तो है नहीं। हाँ। मुझे लगता किसी दादी ने टिका लिया होगा। आंधी आती है तूफान आता है जहां भी मैंने कदम रखा नया मेहमान आता है। बहुत बहुत धन्यवाद जी आपने मुझे यहां तक छोड़ दिया। थैंक यू बड़ी खूबसूरत है। किस पे गई है माँ पे गई हो कि अपने बाप पे गई हो? जी मम्मी पे गई हूँ पापा तो है ही नहीं। पापा नहीं है इस बात का मुझे बड़ा दुख लगा यार। खैर कोई नहीं जिसका कोई नहीं होता ना उसका मैं होता हूँ। कॉल मी एनी टाइम। थैंक यू पर मैं ठीक हूँ। लेकिन मैं ठीक नहीं हूँ ना। नहीं मेरा मतलब तन्हाई मुझे बड़ा खाती है आजकल। मिलवाऊँ ना अपनी माँ से कभी। आप अपनी लिमिट में रहिए नहीं तो मैं नानी याद दिला दूंगी आपको। अच्छा कैसी दिखती है अकेली रहती है वो? मेरा मतलब बड़े साल हो गई मैं कोई नानी टाइप से नहीं मिला। सुनिए वैसे तो मैंने आज तक सिर्फ इंजेक्शन लगाया है कहीं आपकी आज वाट ना लगा दूं। ओए ओए कपू। अरे क्या दादू पाए लादू। ऐसे कोई दादा को मिलता इतने सालों के बाद है? दादाजी क्या हाल है बेटे? अब मैंने क्या किया है? यही तो प्रॉब्लम है तू कुछ करता नहीं है सब इसी को करना पड़ता है मेरे कप्पू को। तीसरा सीजन आ गया बेटा कुछ तो कर तू। अरे वो चमचू इधर आ। चमचू नहीं चंदू। नहीं तेरे पे चमचू ही सूट करता है तू आ इधर आ। मेरी बात तो सुन ले। देख बेटे मेरी ना एक बात हमेशा याद रखना। कौन सी? वो मैं नहीं बताऊंगा तू बस याद रखना ठीक है? याद रख बेटे। दादू ये सब क्या है ये नर्स वर्स क्या था ये? अरे मेरे कप्पू को इतने सालों के बाद में मिलने आ रहा हूँ सोचा जब आऊंगा तो लाल बत्ती की गाड़ी में ही आऊंगा। और ये जो नर्स आई थी? अब सब कुछ पोते के लिए थोड़ी सोचना है अपना भी तो कुछ है। वाह बाजी वाह 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 देख लो बाजी जैसा दादा वैसा ही पोता। ए तू ज्यादा बकवास नहीं करना इधर आ। हाँ जी तू ये सिंघाड़ू का पोता है ना तू? हेलो सिंघाड़ू नहीं मेरे दादाजी का नाम हरिलाल था। नहीं नहीं प्यार से हम उसे सिंघाड़ू ही कहते थे क्योंकि सारा दिन पाजी वो कीचड़ में पड़ा रहता था। दादाजी पर सिंघाड़े कीचड़ में थोड़ी होते हैं। हाँ तो ये बात जाके अपने दादा को समझाओ ना। हेलो खबरदार अगर मेरे दादा पे गए तो। हाँ तो कोई बात नहीं दादी पे चले जाते हैं। कैसी है पुष्पा? पाजी पुष्पा कमाल की थी इसकी दादी। क्या कच्चे सीती थी वो। एक दिन मैं आप लोगों को बताऊं उसने ना मेरे लिए हाई नेक कच्चा सिया। हाई नेक कच्चा? हाई नेक कच्चा कौन सा होता है? हाँ तो यही बात जाके अपनी दादी को समझाओ ना। और बिना ये कैसे कैसे लोगों को रखा हुआ है। हेलो बहुत हो गया दादाजी बहुत हो गया। मैं आपको बता रहा हूँ ये मत सोचना कि मुझे बातें नहीं बनानी थी। तो बना फिर। बनाता क्यों नहीं है? दो दिन दादे पोते पे मैं ऐसी बातें बनाऊंगा दादा भी आपका होगा पोता भी आपका होगा जगह भी आपकी होगी बातें सिर्फ मेरी होगी। चल चंदू। दादाजी कैसे है मेरा कप्पू? ठीक हूँ मैं। आप इतने सालों बाद आए पोते घर खाली आता है आप? ऐसे कैसे खाली आता है लाया हूँ तेरे लिए। क्या? ये देख चलती फिरती सब्जी। <आ,
आपने बताया नहीं मुझे आने से पहले। बेटा आने से पहले मैंने चिट्ठी तो लिखी थी, लेकिन हमें तो कोई चिट्ठी नहीं मिली। लिखी थी ना, पोस्ट नहीं की थी मैंने। वो भाई जी चक्कर पता क्या हो गया, जिस एरिया में मैं रहता था ना वहाँ पे मैं डाकिया था। अगर चिट्ठी पोस्ट कर देता फिर देने के लिए भी मुझे ही आना पड़ता ना यहाँ पे। खैर ये रखो, तू रख लिया कप्पू है। वैसे सिद्धू भाई जी आपकी भी चिट्ठी है मेरे पास। हाँ जी पाकिस्तान से आई है जी। ये चिट्ठी जो है गुलाबों ने लिखी है आपके लिए। कहती है जब आप इमरान खान को बधाई देने आए थे ना पाकिस्तान, तो आपने मेरे कान में एक शेर कहा था, आज वो सवा शेर हो चुका है। क्या बोल रहे थे तू, आपको शर्म नहीं आती? सिद्धू भाई मंत्री हैं। हाँ तो मैं भी तो प्रेसिडेंट हूँ। किस चीज के? अपने व्हाट्सएप ग्रुप का। इधर आप बैठ बैठ सुन। इतने नए नए कपड़े कहाँ से आ गए आपके पास? बस मैंने सोचा आते आते रस्ते में शादी भी तो हो सकती है, कोई मिल जाए तो है। आपको शर्म नहीं आती? यही काम करते करते आपकी 56 शादियां हो चुकी हैं। पता क्या चक्कर है, पहली शादी घर वालों ने करवा दी थी, है दूसरी शादी उसके घर वालों ने करवा दी, तीसरी शादी मैंने घर वालों से लड़के कर ली, फिर ऐसे फ्लो बन गया, शादी शादियां होती रहती है, मजा आता है। अब तो पाजी ये हाल है कि अब हर महीने शादी ना हो ना तो ऐसा लगता है कि पेंशन ही नहीं मिली है। बड़ा मजा आता है कप्पू। अरे आपको पता है आपके इन्हीं कारनामों की वजह से मुझे आज तक नहीं पता चला मेरी असली वाली दादी कौन सी है। खैर बेटे मुझे भी नहीं पता यार असली वाली कौन सी है, लेकिन बेटे मुझे ना एक बात याद है उसकी। क्या? वो हमेशा मुझे सरसों का साग खिलाया करती थी। हाय 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 हाय। और कहती थी ये खाओ इसमें बड़ा आयरन होता है। फिर क्या, 3 आयरन मैन हुए फिर। फिर मैं उसके बाद स्नान करने फिर थाईलैंड चला गया। ये बहुत पता नहीं दद्दू आप क्या क्या करते हो। थाईलैंड गए, वहां पर इन्होंने मसाज कराई, वो कहती 200 रुपया, इन्होंने उससे भी शादी कर ली। हाँ तो समझदारी, 200 रुपये बच गए, फिर 2 महीना फ्री की मसाज भी हुई हमारी। एक बात बता कप्पू। हाँ जी। यहाँ पे है क्या कोई 60+? इतना सफर किया, थोड़ा सबर करो दादू। ठीक है सबर भी कर लेंगे। खैर इतने सालों बाद दद्दा है यार, घर तो देख लूं तेरा यार कप्पू। इधर जाइए मरिए इधर। है क्या? इधर इधर देखिए। अच्छा यहाँ पे? हाँ ये अपना घर है। कप्पू मेरा आशीर्वाद, सुपरस्टार बना रहे तू। तू सुपरस्टार बना रहेगा, हमारे भी चेक आते रहेंगे। बढ़िया है। सिद्धू भाई शुक्र है हमारे मोहल्ले में 60+ की कोई औरत नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए टिक जाता मेरा दादा यहाँ पे। हल्की हल्की दाढ़ी वाले बेटे, जरा बताओ ये बच्चा यादव का काम क्या यही है? हाँ यही है। अबर आप कौन? बेटा मैं तिजोरी, बच्चा यादव की माँ, तिजोरी की सास। अच्छा अच्छा अच्छा, वो आपको वो गलत ड्रेस जो भाभी, बाहर देखो कौन आया, भाग के आओ। कौन है? ओहो लो वो आ गई, कमीनी कलम जली कल मुही कुलक्षणी कुकल चोर। क्या बात है? यस अब जो से, अरे तो जो से ले ले, जाहिल जालिम जल कुकली एंड द विनर इज बुड्ढी। गलत एड्रेस दिया तूने मुझे। वो तो शुक्र है, भला है उस एक भले आदमी का जिसने मुझे सही एड्रेस बता दिया, वरना मैं तो टैं। अच्छा जी कौन था वो? और ठीक से याद तो नहीं आ रहा है, पर था कोई, फोन पे कह रहा था कि भाई हेलो एंड वेलकम टू कपिल शर्मा, ऐसा बकड़ बकड़ कर रहा था कुछ ऐसा अजीब सा। सुबह मुझे किसी बहू ने गलत रूप दिखा दिया था ना, मेरा भी शाम को देवरानी जेठानी वाला रूप जागने वाला है अभी। सासू माँ जी, मैंने आपको ना गलत एड्रेस इसलिए दिया था, जैसे कि बच्चे मतलब आजकल गलत रास्तों पे चल पड़ते, मैं तो चेक कर रही थी क्या बड़े भी चलते हैं। अच्छा जी।
अरे गलत बोल रही है, बच्चों का तो फर्ज होता ना बड़ों का ख्याल रखना, उनका टेस्ट लेते। मेरे दादा को रख लेती ना तो ये सब नहीं देखना पड़ता। हाँ जी, वैसे ये मंगल सूत्र आपने ये ताले जैसा बड़ा अच्छा पहना है। मैंने मेरा ताले जैसा नहीं है, ये ताला ही है। क्या है कि इस तिजोरी का भरे बाजार में खुले घूमना अच्छा नहीं है, सेफ नहीं है। इसमें मेरे जो पति हैं मुझे ये ताला पहना के खुद तीर्थ यात्रा पे निकल दिए हैं। पर ऐसा कौन करता है यार? अरे ये तो कुछ भी नहीं है, मुझे शायद पता नहीं, उसने मेरे होड़ जो हैं वो आधार कार्ड से लिंक करवा दिए हैं। मतलब यहाँ पे जैसा ही कोई ट्रांजैक्शन होगा तुरंत उसके फोन पे मैसेज आ जाएगा। हिसाब किताब का बड़ा पक्का है वो। चलिए कोई माँ जी टेंशन मत लीजिए, अब आप इतनी दूर आ ही गई हैं तो मैं तो कहती हूँ कुछ दिन गोवा ही हो आओ ना। नाम बड़ा सुना है मैंने गोवा का, सुना वहाँ की बियर बड़ी चिल्ड होती है। मैं तो कहती हूँ वाकई फटाफट भागो वरना बियर गर्म हो जाएगी, मैं अभी आपकी टिकट करवाती हूँ। अरे अरे गोवा तो कभी भी चली जाएगी, बहू के हाथ से सेवा करवाने का जो मजा वो कहाँ है गोवा में। बैठिए आप, उनको सेवा का मौका मिले आप रहिए इधर। सेवा सेवा और इससे सेवा। आज तक इतनी बुरी किसी ने मुझे गाली नहीं दी है जितनी ऊपर वाले ने बुरी बहू नहीं दी है मुझे। सेवा ये करेगी ये। ओए कपू, ओए बाथरूम में टॉवल कहाँ है ओए? अरे जल्दी बता वरना मैं ऐसे ही बाहर आ जाऊंगा। कद्दू आवे। अरे सुन 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 सुन, तुझे पता है ना कि आज मंगलवार है और मंगलवार के दिन मैं चींटियों को आटा खिलाती हूँ, याद है ना? ओ हाय, मैं तो भूल ही गई थी, मैं अभी आटा लेके आती हूँ। नहीं नहीं, आटा लाने की कोई जरूरत नहीं, आटा मैं लाई हूँ, तू बस चींटियों को ब्रश करा के तैयार कर दे, आटा मैं खिला दूँ। निकल निकल निकल, तैयार कर दूँ जाके चींटियों को। देखा आपने मेरी बहू को? देखा देखा, वैसे किसी की बहू बेटियों का ऐसे देखते नहीं है, हैव सम मैनर्स। नहीं चलो समाज। सारा मुंह खराब कर दिया है। हाँ, और आपने जो पूरे मोहल्ले का माहौल खराब कर दिया वो क्या? मेरे दादा ने क्या माहौल खराब किया? अपनी सास को नहीं समझा के रख सकती, पराए मर्द के कितने क्लोज आना इसको पता नहीं होना चाहिए। अरे ऐसा मत बोलो यार, वो तो यहाँ सिर्फ कपड़े सुखाने आई है। वैसे एक बात कहूँ, आप सुखाती बड़ा अच्छा है। मैं भिगाती भी बड़ा अच्छा हूँ। और मैं धोती बहुत अच्छा हूँ। वॉशिंग मशीन जैसी बहू होगी तो धोएगी तो अच्छा ही। और सासू माँ, कम से कम उस ताले की तो शर्म करो जो ससुर जी बांध के गए। अब जाने वाले को कौन रोक सकता है? और आने वाले को भी कौन रोक सकता है? दादा, पोते के सामने ऐसी बातें करते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। अगर शर्म आती ना तो पोता भी नहीं होता मेरा। शर्म आनी चाहिए। अब छोड़िए ना, बच्चा है, खेलने कूदने की उम्र है इसकी। ना हम खेलेंगे और ना ही किसी को कूदने देंगे, समझे? अरे बेटी तुम गलत समझ रही हो यार, ये तो सब मैं कप्पू के लिए कर रहा हूँ। हाँ कप्पू, तू चाहता था ना तुझे दादी का प्यार मिले, बस प्यार जो है वो सही उम्र में मिल जाना चाहिए, वरना सिर्फ समय कटता है जिंदगी में। भाभी अपनी सास और उसकी प्यास को संभालो जरा। आप अपने दादा और उसके इरादा को संभालो, समझाए आए बड़े।
वरना दादा को तंबू की तरह ना यहीं पे गाड़ दूंगी मैं। और मैं भी ये टेंट जैसी सास को फेंक दूंगा बाहर उठा के। इधर आओ दादा, इधर आओ आप। चलो घर चलो। हाँ चलो भाई घर चलो, चलो चलो दोनों साथ में चलो, अलग अलग चलो। है नहीं अलग अलग चलो, चलो तब तक चलो। शर्म नहीं आती आपको? ऐसा कैसे भाई? आज के हमारे जो मेहमान हैं वो कलाकार हैं जिनका मर्डर फिल्म के बाद हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री में जन्म हुआ। वाह! तो ये एक बेहतरीन कलाकार हैं और पिछले 15 साल से इन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अपनी एक खास जगह बनाई हुई है। आप सब इन्हें बखूबी जानते हैं। ये ऐसे कलाकार हैं कि ये डायलॉग ना भी बोलें आप इनको बस बस समझ गए सब। हाँ जी, बहुत ही प्यारे हैं, अंदर की बात है, अंदर की जगह प्यार बांटते हैं। प्लीज वेलकम मिस्टर इमरान हाशमी। पहले तो कपिल बहुत सारी चीजों के लिए कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू इमरान भाई। आपकी शादी के लिए हो गई है? हो गई इमरान भाई। अभी पता चलेगा आपको एक्सपीरियंस कि शादी कितनी अच्छी चीज है। बुरी बात नहीं कह रहा हूं मैं, पता नहीं मुझे सार्केस्टिक सा क्यों लग रहा है। नहीं, सार्केस्टिक नहीं है, पक्का बहुत अच्छी चीज है। मेरा फंडा अलग है, जो मैं कांड स्क्रीन पे करता हूँ उसके मुझे पापड़ बेलने पड़ते हैं घर पे। आप अच्छा काम करते हो यहाँ पे तो आपके लिए सब सेटिंग सही है। इमरान भाई शो बाद में होता रहेगा, मेरे को बात बतानी। ये जो इतना सारा वो केस वेस करके भी फिर भी बैलेंस। मैं आपको एडवाइस दूंगा, एडवाइस दूंगा। जी सिद्धू बाजी का कुछ आ रहा है जी। हर किरदार से खुद को ऐसा जोड़ देता है, जब मारता है बाजी तो रिकॉर्ड तोड़ देता है। वाह, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ये मैं नहीं कहता, सुना है जमाने से, ये दिलों के साथ साथ होंठों पे भी असर छोड़ देता। कटाक। मैंने कसम खाई थी कि मैं इस शो में उसकी बात नहीं करूंगा, लेकिन आपने एक टोन सेट कर दिया शो के लिए। नहीं मैं तो खुद नहीं करना चाहता। इमरान भाई आप इतने वर्सेटाइल एक्टर हैं, कितनी सारी फिल्मों में कितने डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स किए, लेकिन अपनी सोसाइटी का ना पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, एक चीज कोई आदमी कर दे हाँ। तो उसको पकड़ लेते हैं। इमरान भाई ने कितनी अच्छी अच्छी फिल्में की हैं, हर फिल्म में थोड़ी ना किस किया है। जैसे हाँ, अब आप देख लो इमरान भाई सिद्धू पाजी ने कितनी सारी सेंचुरीज मारी हैं हाँ। लेकिन फिर भी लोग भूलते नहीं कि 1990 में जीरो पे आउट हुए थे। मैं क्या मैं बोल रहा हूँ दुनिया भूलती नहीं है भाई साहब। वो मैं कहने का मतलब लोग वो ही चीज याद रखते हैं जो एक आध बार हुई है। नहीं नहीं हाँ। मैं तो बहुत सारी चीजें करता हूँ फिल्म में, लेकिन जी ऑडियंस को बस एक ही चीज सूझती है तो मैं क्या करूं। वोट मेरे दिल में नहीं है, मेरे दिमाग में नहीं है। बात सही है। पर मैं बताना चाहता हूँ ऑडियंस को, इमरान भाई इतने शरीफ इंसान है, पर्सनल लाइफ में इतने अच्छे इंसान है कि स्क्रीन पर चलो निकल आती कभी कभी, ऐसा कुछ है नहीं। पर इमरान भाई आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू हमारे शो में। इस सीजन में इमरान भाई पहली बार आए हैं। आजकल हमारे देश में कई तरह की कैंपेन्स चल रही हैं पाजी हाँ। जैसे मेक इन इंडिया, क्लीन इंडिया, ऐसे में इमरान भाई अपनी फिल्म लेके आए व्हाई चीट इंडिया। तो पाजी ये किस बारे में है, मतलब कैसे क्या? वेल इस फिल्म में मैं एक अलग तरह की चीटिंग कर रहा हूँ जी। हमारे देश में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जी, वो ये है हमारा एजुकेशन सिस्टम राइट। तो हमारा एजुकेशन सिस्टम तकरीबन 100 साल पुराना है। बहुत सारे ऐसे मिडिल मैन हैं जो इस सिस्टम से पैसे बना रहे हैं। वो मिडिल मैन अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स को मेरिट्स दिलवाते हैं राइट। पैसे दे के मेरिट्स लेते हैं, ये जाके नौकरियां करते हैं राइट। और वो आप देख लीजिए, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, इमेजिन जो डॉक्टर आपको प्रिस्क्रिप्शन दे रहा है या ऑपरेट कर रहा है, उसके पास जो डिग्री है जी वो फेक है। तो एक बहुत ही डरावनी चीज़ है। एंड जो मेरिट वाले स्टूडेंट्स हैं उनको मौका नहीं मिलता है। तो इस पर हमने एक फिल्म बनाई है और एजुकेशन सिस्टम में इस तरह की फिल्म नहीं बनी है। पर बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है okay. और एजुकेशन सिस्टम एक्चुअली बिल्कुल सही कहा, बहुत सारी कमियां हैं जो दूर होनी चाहिए। जब आप एजुकेशन मिनिस्टर बनेंगे कभी पाजी तो मैं आपसे जरूर वो डिस्कस करूंगा। बड़ी सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं
बहुत अच्छा था, अगर मुझे सही पढ़ाते तो मैं डॉक्टर बनता। अगर तू डॉक्टर बनता तो देश का कल्याण कैसे होता, देश हंसता कैसे। शुक्रिया आपको प्यार। तो इमरान भाई इस फिल्म में बच्चों से चीटिंग करवा रहे हैं। भाई आप एक्टर हैं, ज्यादातर जो एक्टर्स जो कलाकार होते हैं, मतलब मैं अपने हिसाब से बोल रहा हूँ जी, पढ़ाई में ठीक ठाक ही होता काम, आपने कभी चीटिंग की है बचपन में? चीटिंग की है। वेरी गुड, ईमानदार आदमी। देखा मैंने पहले कहा था। अब तू भी ईमानदारी से बता, तू पढ़ाई करता था या चीटिंग करता था? मैंने पढ़ाई की, ये कह लो कि मुझे मौका नहीं मिला। मेरे पीछे ये बैठता दिनेश, तो मेरे कॉलेज टाइम का फ्रेंड है, स्कूल टाइम का, मेरे पीछे बैठा तो एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कहता मुझे लिखा, मैं कहा लिख आई बैक टू से दैट, कहता आई के स्पेलिंग। उसने एक बार तो इसका रोल नंबर किसी और के पीछे आ गया, इसने इतनी शिद्दत से कॉपी की ना, आंसर तो किए किए, नाम भी उसका ही लिख दिया। और फिर जब रिजल्ट आया तो उसको तो मिल गया 70%, इसको 0 मिला, तो लड़ रहा है। तो कहते आपने ये क्या किया, कहती आपने चीटिंग की है, नाम भी आपने उसका लिख दिया। कहते चलो ठीक है, आंसर के नंबर मत दो, ये जो 3 घंटे मैंने गर्दन ऐसी रखी उसका तो कुछ दो। तो ये भी होते हैं लोग, जो आदमी जिस चीज के लिए फेमस होता है ना भाजी, लोग उसको ऐसी डिमांड करते हैं। जैसे सिद्धू भाजी कहीं जाते हैं तो लोग कहते हैं कि भाजी शेर सुना दो, ऐसा बोलते हैं। मैं कहीं जाता हूँ लोग कहते जोक सुना दो, भाजी आप कहीं जाते हैं तो लोग डिमांड करते हैं। नहीं मेरा मतलब सेल्फी वगैरह। मैं इसके बहुत पैसे लेता हूँ। अच्छा, मैं इसके बहुत पैसे लेता हूँ, कोई मुझे अफोर्ड नहीं कर सकता। किस्मत इतनी अच्छी, चुम्मी लो पैसे दो, बात करनी नहीं पाजी हमने, ये तो नहीं। हमारी जो मैडम है इमरान भाई की वाइफ जो है, वो वाई चीट इंडिया की वन ऑफ द प्रोड्यूसर हैं, तो भाई यही कारण तो नहीं इस फिल्म में कोई ऐसा वैसा सीन? वो सॉरी बात दोबारा वापस आ गई। हमारे शो पे क्या होता है इमरान भाई, जब हस्बैंड वाइफ साथ बैठे हो ना तो बहुत सारी हॉट हीरोइंस आती हैं, तो जैसे मेरी अभी बुआ जी बैठी हुई हैं, ये लंदन से आई हैं। मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आई हैव ऑल्सो इंटरनेशनल रिलेटिव्स। तो ये जैसे मेरे फूफा जी आगे बैठे हुए हैं, यही इनकी शादी हुई थी ना, तो चिपक के बैठते थे ये। अभी हो गए 35 साल, तो देख लो आगे हैं, पीछे देखा भी नहीं बुआ है कि नहीं है। तो ना ये जब हॉट हीरोइंस आती है ना, तो जो पति बैठे रहते हैं उनका दिल करता है अप्रिशिएट करने को, लेकिन बगल में जो बीवियां बैठी रहती है ना, कोहनी रख के ये पित्ते के ऊपर सेट करके रखे इन्होंने, कोहनी मार के सांस रोक देती है। ये ऐसे होता है, इसलिए मैं अपनी वाइफ को अभी सेट पर नहीं बुलाता। पर हमने आपके बारे में सुना है कि आप जब फिल्मों में कोई भी ऐसा रोमांटिक सीन करते हैं, आपको डैमेज कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट देने पड़ते हैं। जब वो सीन करता हूं मैं जी, तो मैं एक सेटिंग रही है मेरी 15 साल से कि मैं उनको एक एक्सपेंसिव हैंडबैग खरीदता हूं। ओके, तो अभी एक पूरा कबर्ड है जो टूट गया है, इतने हैंडबैग हैं उसमें, एक नई अलमारी बनवा लो। सोच रहा हूं। तो यहां पे बैठी जितनी भी आदरणीय महिलाएं हैं, जब भी आपके पति आपको कोई हैंडबैग दे या कोई भी गिफ्ट दें, नहीं मैडम मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, तो चेक कर लें कि ये अंदर से प्यार उमड़ रहा है या डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं। कुर्ते चेक कर लिया करें। तो चलिए अब यहाँ इनवाइट करते हैं वाई चीट इंडिया के ऑलरेडी बहुत ज्यादा हिट हो चुके गाने के सिंगर, कंपोजर और लिरिसिस्ट जो हैं, ये वो शख्स हैं जिनके गानों की आजकल पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी सारी दुनिया में धूम मची हुई है। प्लीज वेलकम द हाई रेटेड गबरू, माय ब्रो गुरु रंधावा। एक बार गुरु रंधावा के लिए जोरदार तालियां। पाजी बंदा छोटा भाई है, सोने सा खरा। हाँ जी, सोने सा खरा, हीरे सा ब्राइट है, वाह, जहां सूरज वहां तक तेरे हुनर की हाइट है, वाह। दिल में धड़कन की तरह बसे हैं तेरे गाने, आवाज का जादू तू, सिंगिंग का डायनामाइट। अजी आपको पता है गुरु बहुत छोटी सी उम्र में, और आई एम सो प्राउड ऑफ यू ब्रदर, यूट्यूब पे देखे जाने वाला सबसे बड़ा सिंगर है अभी, मतलब 25 टॉप जो चार्ट्स हैं उनमें गुरु का गाना भी है। जोरदार तालियां तो बजती हैं। अभी हाल ही में गुरु ने पिटबुल के साथ एक गाना किया है। अच्छा, खुद गाने लिखते भी हैं, कंपोज भी करते हैं, गाते भी हैं। तो गुरु
आपको मतलब किसी और की तरक्की देखी नहीं जाती, खुद ही सारे काम कर रहे हैं आप. मतलब कि आपने लोन ज्यादा लिया हुआ है. तो भाई मैं आपसे इंस्पायर हूँ इस चीज के लिए. अच्छा जी, आपने भी सब कुछ खुद ही करा है, एवरीथिंग, फिल्में भी कर ली, गाने भी गाए. ये तो आपका मेन जो है उसके हटकर चीजें करी. तो मैंने सोचा भाई की जो पाजी कर रहे हैं वही करूंगा, करता करता मैंने कहा सब कुछ खुद ही करता हूँ, क्यों किसी को काम देना. क्या बात है, गुरु के गानों में इतनी एनर्जी होती पाजी, बंदा बैठा बैठा खड़ा हो जाता है. हो जा शुरू गुरु. एक तो बनता है कुछ. हाँ कुछ भी जो आपका दिल करे. अच्छा एक मिनट. अरे भाइयों आपस की बात है, आपने कौन सा टिकट ली है, एंजॉय करो जितना जितना आ रहा है, प्रसाद समझ के रखो. अरे गुरु के जनरली गाने ऐसे होते हैं, आप सबको पता ही है कि तैनू सूट सूट करदा. ये पहले कपड़ों की तारीफ करते हैं, फिर आंखों की तारीफ करते हैं, धीरे धीरे ये मुद्दे की बात पे आते हैं. इमरान भाई टाइम नहीं वेस्ट करते, ये सब मुद्दे पे आते हैं. इमरान भाई सीधा बोलते हैं मेरे साथ रात गुजार सुबह तक करूं प्यार, जो भी है, व्हाटएवर. इमरान भाई आपको कैसे लगा कि इनका गाना आपकी फिल्म को सूट सूट करेगा? आई मीन ये बहुत सूट करता है. और जहां तक आपने बोली ये टाइम वेस्ट नहीं करने की बात जी, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि शाहरुख खान की फिल्मों में जी उनको लड़की एंड में मिलती है जी, ये करते हैं फिर पता नहीं क्या क्या करते हैं, मुझे पहले सीन में मिल जाती है. अगर लड़की को पटाना सीखना हो तो मेरी फिल्म देखिए. और अगर पता करना हो कि लड़की कहाँ से है तो फिर मेरे गाने सुनिए. ये इसमें भी कोई शक नहीं है. ये तो आप आए, आपके सामने नहीं बोल रहे, आपको पीछे से बोलते हैं आज कौन आ रहा, चुंबन दे बारे मैंने बोला था मत बोलना. वो बात करनी नहीं हमने. थूकेगा तू? कोई नहीं बात करेगा चुंबन मुंबन की. मेन मुद्दे की बात पे आता हूँ, कितनी गर्लफ्रेंड थी आपकी कॉलेज में? क्योंकि ये थर्ड स्टैंडर्ड में भाई साहब गाना शुरू कर दिया था और सेवन्थ स्टैंडर्ड में इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था. मैं ये बताना चाहता हूँ, पहले तो नहीं, जब मैं गुरदासपुर में था अपने स्कूल में तब तो वहाँ पे बंदा डरता था. एक मैं बताना चाहता हूँ, एक बार एक लड़की ने मुझे बोला कि मुझे तेरी किस करनी है, छोटा था मैं. हाँ जी. तो फिर मैंने अपने भाई को बताया, रोते रोते मैंने कहा घर जाके मत बताइयो किसी को. रोते हुए बताया मतलब? गांव के बच्चे डर जाते हैं ना, लड़की बोल रही है किस करनी है भाई. इमरान भाई ये सच्ची बात है, हम दोनों आए ना पंजाब से, छोटे शहरों में से हैं. मुंबई में तो क्या ना आप लोग डेट वेट पे जाते हो, लड़के बोलते हैं सुबह गोइंग ऑन डेट, ये हम लोग वैसे ही नूडल खा रहे हो ना, लड़की पीछे पुलिस वाले गर्दन पे थप्पड़ मार चलो. हमारे उधर है ही नहीं वैलेंटाइन, तो हमने सुना मेरे ख्याल से 24 साल की उम्र में. उसके भी 3 साल बाद सुना कि उसका मतलब क्या है, तो हमें यही पता होता था, तो हमारे साथ बड़ी ज्यादती हुई है. गुरु आपका एक गाना था ना कि बन जा तू मेरी रानी तुझे महल बना दूंगा, सीधी सीधी रिश्वत देने वाली बात है लड़की को कि बन जा तू मेरी रानी तुझे महल बना दूंगा. और यकीन हो भी जाता गुरु को देख के ना, ओवर कॉट, ये देखो क्या स्मार्ट आदमी लगता भी, लड़की को ले देगा. ये जब गाना आया ना तो अपना दिनेश ये भी किसी लड़की को बोल रहा था, बन जा मेरी रानी तुझे महल बना दूंगा, कहती ठंड से तेरे होठ नीले हो रहे हैं, पहले तू फुल स्लीव स्वेटर ले, तो लोग हटते नहीं है. बाजी आपने वो गुरु का गाना सुना इमरान बाजी, लग दी लाहौर दिया सुना है? ये गाना मैं आपको वही बता रहा था ना यूट्यूब पे टॉप, ये आपकी जो वर्डिंग थी कि लग दी लाहौर दिया जिस हिसाब नाल हंस दिया, पहले तो वो गाना सुनते फिर उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे हम, विशेष वार्ता करेंगे, तो पहले गाना हो जाए. तो इमरान भाई गाना तो माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही अच्छा गाते भी हैं, पर ये हमें चेक करना, जैसे आप गाते ना कि ये कि लग दी लाहौर दी है जिसे हिसाब ना हंस दी, मतलब जैसे हंस रही है लाहौर की लगती है. अपना दिनेश भी बता देता वैसे कि लगता है शिमले की, हाथ बड़े ठंडे हैं. पाजी हम लाइव डेमो देखना चाहते हैं इमरान भाई. क्या 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 लाइव डेमो? लाइव डेमो ये क्या बात कर रहा है यार? नहीं मेरे कहने का मतलब ये है, खाली अब जज करना है अपने को, कुछ नहीं ऐसा. तो देखना है कि शायर जो लिखता है कि सच्ची में सच्चाई है उसमें. तो लड़कियां जो हैं यहाँ पे जितनी मौजूद हैं, अगर आप हमारे इस टास्क में भाग लेना चाहे तो आप आ सकती हैं. किसी को हंसना है, किसी को स्माइल करना है, किसी ने वॉक करनी है, तो देख के ये भाई साहब बताएंगे. और इमरान सर तो खैर भाई आप तो हमारे जज हो ना,
तो जी कहाँ है मोहतरमा जी? ओह वाओ, बहुत ही प्यारी प्यारी लड़कियां हैं यहाँ पर। नर भाई आप पहले कभी ऐसा कुछ जजमेंट किया है आपने? स्माइल देख के बताना है। आई एम फीलिंग द प्रेशर। तो ये स्माइल ऑलरेडी कर ही रही हैं, बहुत ही प्यारी लग रही हैं आप। गुरु बताओ जरा स्माइल करके कहाँ की लग रही हैं? लग रहा है थोड़ा खुल के हंसो, थोड़ा कम हंसो, थोड़ा उस तरफ साइड पोस्ट पे हंसो। मुझे लग रहा है बाजी ये आप बॉम्बे से हो? फिर आंखें बंद करके सो। पता चल गया मुझे कहां से। कहां से बता दूं बाजी? बता दो। शोर शोर पंजाब से आए। बिल्कुल सही। गुरु साथ में ही तो नहीं लाए लड़कियां ना? हमें क्या पता है? तो मैम आप हैं? आई एम रूमा। अब नाम से नहीं मुझे पता भाई कौन सी है। ये सिर्फ देखेंगे जिस हिसाब से तक दिया, मतलब जैसे देख रही है ये उस शहर की। हाँ जी तको जरा। थोड़ा आंखें ब्लिंक करो ज्यादा। ये बंदे को कुछ नहीं पता, खाली एंजॉय कर रहा है भाई। खूबसूरती को आई थिंक एंजॉय करना चाहिए, ये पंजाबी से ज्यादा किसी को नहीं पता। मैं सब समझ रहा हूँ। आप पास आके हंसो, ये बहुत गुरु ऐसे नहीं नाम रखा घर वालों ने। बाल ऐसे मुझे लग रहा है कि रजौरी गार्डन में होते हैं दिल्ली में। ये एग्जैक्टली फ्रॉम दिल्ली। बंदा तुक्का चल गया, तुक्का चल गया जी। रजौरी से हो? मैं दिल्ली से हूँ। अच्छा दिल्ली से हो, फिर ठीक है। और ये तीनों मोहतरमाएं जो है वॉक करेंगी। हाँ। और आपको बताना है वन बाय वन की लड़कियां कहाँ से। आप तीनों को वॉक करना है। हैव सम मॉडलिंग म्यूजिक प्लीज। मलाड भी है। मलाड से ही आप? जिस हिसाब ना चल गुरु ये खुद लेके आए हो पता। इतना एग्जैक्ट शहर बोला था, एरिया बता दिया। ये देखो आने से पहले इसको कोई चिट्स विट्स दिए थे क्या? क्या चल रहा है पता नहीं। सर इमरान भाई एक ही बार में आपको अगर बताना पड़ेगा, एक झटके में बता सकता हूँ कहाँ से आई हैं लड़कियाँ। कहाँ से? अपने अपने घरों से। ये भी ठीक है। सुपर्ब। तो शुक्रिया। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। एक बार इमरान भाई के लिए और गुरु के लिए जोरदार तालियां बाजी प्लीज। यहाँ पे विराजमान हो जाइए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। ओ किया तेनू? ओ की होया तेनू? भाभी क्या हुआ, क्यों क्यों रो रही हो आप? जिसके पति ने उसके साथ चीट किया हो वो रोए ना तो क्या करे। किसके पति ने चीट किया है? सिद्धू बाजी के। मैं रो रही हूँ ना तो मेरे पति ने चीट किया है। अरे तो इसमें रोने वाली क्या बात है यार। भाभी रोना दोना छोड़ो, इधर देखो कौन आए हैं। इमरान गुरु। हेलो सर। हेलो। हेलो इमरान। अच्छा आप वही हो ना जिनको सिद्धू बाजी ने गले लगाया था, बवाल हो गया था। अभी वो इमरान खान है, ये इमरान हाशमी है। ओहो। ओहो। तो क्या हो गया, इनका भी ऐसा है, ये भी किसी हीरोइन को गले लगाता है ना उधर भी बवाल हो जाता है। हेलो जी। हेलो जी। अजी कैसे हैं आप? गुड गुड। आपकी मैंने सारी फिल्में आधी आधी देखी। आधी आधी? आधी आधी क्यों? मेरे पति ने मुझे देखने देते ना पूरी। अच्छा। हाँ। फिल्में पूरी नहीं देखने देता, बच्चे आपके 11 हैं। तो मुझे नहीं देखने देते, उन्होंने तो पूरी देखी है ना।
लेकिन मेरे हस्बैंड ने मेरे साथ चीट किया है। मैं बर्बाद हो गई हूँ। मैं लूट के मेरा कख नहीं रहा। ये देखो, उनकी जेब में से लेटर मिला है। लिखा क्या लेटर पे? कुछ भी नहीं। तो जब लिखा ही नहीं तो चीट क्या किया उसने? वाह देवर जी, जब मिस कॉल आती तो उसमें बात होती नहीं ना, तब भी मिस कॉल वही आती जहाँ चक्कर चल रहा हो। भाभी क्यों बेवजह चक्कर ही जा रही है तू? बच्चा लेट आता घर पे? नहीं। तो फिर कभी किसी लड़की का बाल मिला उसके कुर्ते पे? नहीं, क्या पता लड़की गंजी हो। भाभी शक ना किया करो आप, पता क्या है, रिश्तों में शक और दूध में नींबू, सब कुछ फाड़ के रख देता है ये। भाभी 11 बच्चे, एक बीवी, एक साली, 11 भैंसे, गोबर के चक्कर में तो निकल नहीं पाता, चक्कर कहाँ चलाएगा? ना जी ना, ये पति लोग बड़े चलाक होते हैं। अब इमरान हाशमी जी को ले लो, फाइट वाली फिल्में करते हैं, बीच में से पप्पी के लिए 2 मिनट निकाल लेते हैं ना। वैसे सिद्धू बाजी थोड़ा बिजी रहते हैं, लेकिन हीरोइने आती शायरी के लिए वो भी टाइम निकाल लेते हैं। कोई बात नहीं, इनको हॉस्पिटल से वापस आने तो फिर देखती हूँ मैं। हॉस्पिटल में क्यों, क्या हुआ? कुछ नहीं, मेरे पे थोड़ा सा हंसे थे। क्यों? मेरा ना गोबर पे पैर पड़ गया था तो मैं फिसल गई, तो कहते हंसे हंसने लगे। मैंने फिर ना बछड़ा पूछ से पकड़ा, ऐसा घुमाया, ऐसा करके उनकी छाती पे मारा मैंने। सारा गोबर निकल गया। बछड़े का? नहीं नहीं, बच्चा यादव का। चलो अच्छा हुआ, मुझे बड़ा परेशान करता था, अच्छा हुआ जैसी करनी वैसी बननी। एक मिनट। आप कौन होते हो मेरे पति के बारे में बात करने वाले? मैं वो औरत हूँ जो यमराज से अपने पति के प्राण वापस ले आऊंगी, समझे? आए बड़े। मेरे को तो सिद्धू बाजी वैसे इस बंदे ने बड़ा परेशान करके रखा है। क्यों? मेरा सारा मूड ही खराब कर दिया इस बंदे ने तो। गुरु बाजी, हाँ जी, एक गाना गा के मेरा मूड सही कर दो फटाफट। जल्दी करो। वर्ल्ड वाइड हो गए तेरे हुस्न दे चर्चे। वेरी गुड, वेरी गुड। दिल्ली तो लाहौर मुंडे पागल तू करते, बच्चा यादव जैसे तूने पागल है करते, दुबई वाले शेख बिल्लो तेरे उत्ते मरते। चलो बाजी आओ हम चले। उनको कहाँ लेके जा रही हो? एक मिनट, इधर आ जाओ। मैं इधर आ जाओ, आप डरना नहीं। हाँ। देखिए देवर जी, आपका हफ्ते में 2 ही शो आते हैं ना? हाँ। सैटरडे संडे, इनके 1 दिन में 4-4 शो आते हैं, इसीलिए मैं इनको लेके जा रही हूँ, है ना गुरु जी? एक बार जोरदार तालियां गुरु के लिए और हमारी तितली के लिए। गाना गाते हुए जाते हैं वो अलग ही मजा होता है बता। और गाना पता कौन सा होना चाहिए? तेनू सूट सूट करदा, ठीक है? ठीक है। वो चादरां दे शोर ने तबाही रही बाईया, वो पुछदे ने मुंडे दसो कुड़ी कित्थों आईया, हाय नी बच्चा बच्चा फिरे, हाय नी बच्चा बच्चा फिरे, बच्चा याद उतरे उत्ते मरदा, वो तेनू सूट सूट करदा, वो तेनू सूट सूट करदा, वो सूट करदा, वो तेनू सूट सूट करदा। एक बार जोरदार तालियां गुरु रंधावा के लिए। सो अब वक्त है फिल्म वाई चीट इंडिया से बॉलीवुड में कदम रखने वाली एक बहुत ही खूबसूरत और टैलेंटेड हीरोइन को यहां बुलाने का। तो आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में स्वागत करना चाहूंगा श्रेया धन्वंतरी। जोरदार तालियां। श्रेया आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं श्रेया से पहली बार मिल रहा हूँ। यस, बिकॉज श्रेया की ये पहली फिल्म है, हिंदी फिल्म। अच्छा, इससे पहले कि हम सवालातों का तो क्या होता है जो उर्दू में बोलते हैं, सिलसिला शुरू करें श्रेया के साथ, मैं इमरान भाई से पूछना चाहूंगा। इमरान भाई, आई थिंक आप भी शायद श्रेया से पहली बार इसी फिल्म के दौरान मिले होंगे। जी, तो आपके मन में क्या आया कि एक श्रेया करके एक लड़की है कहीं पे जो इस फिल्म के लिए सूट करेगी? कहाँ से बात शुरू हुई?
श्रेया को कास्ट करने की? नहीं, हम एक अच्छी एक्ट्रेस की तलाश में थे जी. एक कैरेक्टर है नुपुर जो लखनऊ की रहने वाली है जी. तकरीबन 100 से भी ज्यादा लड़कियों को ऑडिशन किया. अरे बाप रे. अच्छा जी. वो हमारे प्रोड्यूसर है वहाँ पे, तो उन्होंने ऑडिशन किया था. वेलकम. वाह. फिर इन्होंने कहा कि एक बहुत ही उम्दा एक्ट्रेस हैं. अच्छा. श्रेया, इनका मैंने ऑडिशन भी देखा. अच्छा. इट वाज अ फैबुलस ऑडिशन. और फिर ये शी वाज ऑन फॉर द फिल्म. यस. तो इस फिल्म के प्रोड्यूसर जो है तनुज जी गर्ग साहब यहाँ पे मौजूद है. देख लो आप कैसा होता है कि जो एक्टर है फुल स्लीव ये वो सब पहन के बैठते हैं, प्रोड्यूसर हाफ शर्ट में हो जाता है. होता है, पैसे लग जाते हैं. तो तनुज जी आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है. क्या आपसे एक नॉर्मल सा मेरे मन में सवाल था कि जब आपने अपने घर वालों को बताया कि मेरी पहली फिल्म जो है वो इमरान हाशमी के साथ है, उनका रिएक्शन क्या था? मैं ऑनेस्टली आपसे बात करना चाहती हूँ. ओके. जब एक इमरान हाशमी की फिल्म आती है बाहर, तो दो चीज तो गारंटी है. हाँ जी. एक, गाने तो बड़े सही होंगे, है ना? इसमें कोई शक नहीं है, है ना? बिल्कुल. और दूसरी बात ये तो फैमिली शो है, बात नहीं कर सकते. श्रेया, इससे पहले साउथ में दो फिल्में कर चुकी श्रेया आप. हाँ जी. और आप, ये बॉलीवुड की आपकी पहली फिल्म है, हिंदी फिल्म. आपको क्या फर्क नजर आया बॉलीवुड में और साउथ की फिल्मों में? बिगेस्ट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे अगर मैं फिल्म करूंगी तो इस शो पे आ सकती हूँ. वाओ, ये तो हमारी तारीफ हो गई. थैंक यू. और कोई फर्क आपको नजर आया? नहीं, दिस इज द ओनली थिंग दैट मैटर्स. ओके. फर्क ही नहीं पड़ता और किसी का. इमरान भाई, आपने कभी कभी कोई साउथ फिल्म में काम नहीं किया ना? नहीं, मुझे भाषा नहीं आती. पर इमरान भाई, प्यार की कोई भाषा नहीं होती. करेक्ट. आप तो अजी, एक जमाना क्या, अभी भी बहुत बार होता है कि आप FTII से, थिएटर से, NSD से पढ़ लिख के और एक्टिंग सीख के फिल्मों में आते हैं. श्रेया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में इंजीनियरिंग करके फिल्मों में आई हैं, इसलिए मौके का फायदा उठा के. वेल गुड. हमारी जनता जो है थोड़े ऐसे, वो हमारे जैसे हो चुके हैं ये भी, तो इन्होंने कुछ सवाल जो हैं वो आपके लिए हैं. तो वो कह रहे थे कि श्रेया जब आए तो आप पूछना. कहते हैं कि जब टीवी का रिमोट बंद हो जाता है, 3-4 थप्पड़ मार के ऐसे मारते हैं, दोबारा चालू हो जाता है, तो इस टेक्निक का इन्वेंशन किसने किया था और इस टेक्निक का नाम क्या है? बहुत ही इंटेलेक्चुअल क्वेश्चन है. तो इस टेक्निक को कहते हैं लातों के भूत बातों से नहीं मानते. और ये टेक्निक जो है इंसानों पे और एम्प्लायंसेस दोनों पे काम करते हैं. प्लीज. गुड गुड. मुलगी खतरनाक है. तो एक बच्चे का सवाल है, यहीं बैठे हुए हैं. कहाँ गया वो छोटू बच्चा था, उसका लिख के दिया मुझे. चलो एनीवेज, कहीं पे बैठे हैं. कहते हैं कि खुली तार पे सुसु करने से करंट लगता है क्या? पागलों जैसा सवाल है. लगता है. बहुत तेज लगता है. तो जवाब मैंने ही दे दिया. ना भाई, बिल्कुल मत करना ये, बिल्कुल कोई भी ना मत खाना. ये वो आपने सुना ना, वो ट्रेन में जहरीला लड्डू खिला के चेन खींची, वो इन्हीं के फादर साहब की कंपनी है, ये CEO है उस कंपनी के. हट, ऐसे लड्डू खिलाती है. आप इनकी बातें मत सुनिए. इमरान साहब, मैंने ना आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा. अच्छा. आई लाइक योर चीटिंग स्टाइल. यू डू? आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स. ऐसे फैन फैन बोल के ना, ये प्रीमियर के पास मांगती है. फिर जब ये प्रीमियर पे जाएगी, मीडिया के सामने आपको ऐसे गले लगेगी जैसे बचपन से जानती है. फिर मीडिया वाले सवाल पूछेंगे, फिर बोलेगी वी आर जस्ट गुड फ्रेंड्स, ऑल आर र्यूमर्स. फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन कप्पू, मैं तो इमरान सर के नक्शे कदम से चलकर यहाँ तक पहुंची हूँ. नक्शे कदम नहीं, रश के कमर. मेरे रश के वो होता है. भाई सच बताऊं तो दुनिया में दो ही इंसान है जिन्होंने होठों की वजह से पहचान बनाई है. एक तो आपने फिल्मों में इतना अच्छा किया, बाकी इनका एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की वजह से. एक सेकंड, मेरी कौन सी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज? इसने वो कहानी सुनी थी पाजी कि मेंढक की पप्पी लो ना तो आपको दूल्हा जो है राजकुमार मिलता है.
इसने 2500 मेंढकों की पप्पी ले ली. दूल्हा तो राजकुमार मिला नहीं, खुद के होठ राजकुमार जैसे. पाजी देख लो, इस बंदे के पास पूरा एक साल था, ये नहीं कि बात ही बदल ले. तेरे पास भी तो एक साल था, तू होठ ही बदल लेती. मैं बातें बदलू. श्रेया तुम खुशखबरी के लड्डू खाओ. तेरे जीजा के पहले 11 बच्चे, फिर खुशखबरी आ गई. तुम अपना मुंह बंद रखोगे? मेरा मुंह छोड़ो, पहले अपने जीजा को पकड़कर तबेले में बंद करो. तमीना, हर महीने कोई ना कोई छोटा मेहमान आ जाता है. अरे कोई मेहमान नहीं आया है पाजी, मैंने एग्जाम में टॉप किया है, ये उसकी मिठाई है. टॉप? मैं बताऊं, इमरान भाई ये पहली लड़की है जो पीटी में भी फेल हो गई. पागल, उसको खेलों में खेलने चलेगी. उधर कहते डिस्कस थ्रो करना है, उधर जाके थी मैं आ तो गई, डिस्कस करना क्या है. सीरियसली बातें बनाना कोई इनसे सीख ले. तुम भी सीख लेती, एक साल था तुम्हारे पास. लेकिन मैं आपकी तरह फ्री नहीं बैठी थी ना, मैं बिजी थी. पता है एक साल में मैं सोशल मीडिया एक्सपर्ट बन गई हूँ. ये बात सच्ची बोल रही है. इतनी एक्सपर्ट है ना, सूंघ के बता देती किसका हॉटस्पॉट चालू है. हाँ, 30 रुपए में 300 लाइक देती है और बहाने बहाने में सारे मोहल्ले का डाटा चूस जाती है. पाजी जिस दिन मुझे डिग्री मिल गई ना, तुमको बोलने नहीं दूंगी मैं. डिग्री कल ही तो मिली थी तुझे. कौन सी डिग्री मिली? हर डिग्री मिली नहीं थी कल तुझे? लड़कियों की स्कूटी में से तेल निकालती थी, पुलिस वाली आई, उसने ऐसे होटल से पकड़ के खींच लिया. ऊपर से ढीट, पता क्या कहती? कहती इधर से छोड़ो, इधर से छोड़ो, मेरा जर्दा गिर रहा है. गुस्सा नहीं करना मेरी बात का. बड़ी देर बाद मैंने शो शुरू किया है, लेट मी स्पीक. तुम्हारी बकवास सुनने की बिल्कुल इच्छा नहीं है और जवाब देने का टाइम भी नहीं है. मैं खिलाड़ी हूँ, खेल रही हूँ. बॉम्ब. खिलाड़ी बहुत तगड़ी है. राजधानी एक्सप्रेस कितनी तेज चलती है? चलती ट्रेन में चेन खींच के पश्चिम एक्सप्रेस में कूद जाती है. और फिर पुलिस जब पकड़ती है ना, लाठियों के निशान छिपाने के लिए टैटू बना लेती. दिखा जरा पाजी. टैटू. आजकल कुछ ज्यादा नहीं ध्यान दे रहा है मुझ पर. बोल दी, बंद हो गई. पाजी देख लो. इमरान भाई, लड़कियों का मुंह बंद करने का एक तरीका तो आपने हमें बताया ही है. जी. कोई एक और बताओ, क्योंकि क्यों वो पहले तरीके में क्या प्रॉब्लम है? इमरान सर, आप अपनी फिल्म में चीटिंग करवाते हैं. जी. चीटिंग के आइडियाज कुछ मेरे पास भी हैं. आप मुझे 5 लाख पर स्टूडेंट दे दीजिए, मैं उन्हें पास करवा दूंगी. अब आई असली मुद्दे पे. आई पैसे मांगने थी, लड्डू डुबाना था. 5 लाख तो बहुत ज्यादा बोल दिया. ये अपने सोनी टीवी पे सीरियल आता ना सीआईडी, उसमें 300 रुपए लेके लाश बनती है ये. सीरियसली. वो एसीबी प्रद्युम्न नहीं आते जो ऐसे ऐसे करते, कुछ तो गड़बड़ है. इसको देख के आते भाई, ये नहीं करना. ये कौन सा केस है, सॉल्व ही नहीं करना हमने. और दया जो दरवाजे तोड़ता है, उसको किसी ने कुछ कहा नहीं, उसने वैसे ही 12 दरवाजे तोड़ दिए. कहता ये लाश, ओ हो. ये तो कुछ भी नहीं है पाजी, ये मोहल्ले का फंक्शन होता है ना, 30-30 रुपए लेके छोटे सिद्धू पाजी बनती है. हाँ, बच्चों का फंक्शन. आप बात कर रही है? हाँ. और आपके पास तो खुली जगह रहती है, आप कहते हो गुरु ठोको. ये छोटे बच्चों के फंक्शन में गई ने, ऐसे कर दिया और 2 बच्चों की नाक में उंगली डाल दी. यू या सेम उन्हीं की यू निकली थी. ऊपर से ढीठ इतनी कहती, मुझे पैसे दो 10-10 रुपए, मैंने तुम्हारी नाक साफ की है. बैग दिखा, बैग में क्या लेके आई, किसका सामान उठाया तूने? क्यों देख रहे तुमको मैं बैग के अंदर क्या है? अरे बैग में अंदर चेक करना हमको, हमारे इधर आई हो मोहल्ले में, क्या इसमें दिखाओ. इसमें ये क्या है? नींबू. ओ नींबू, नींबू मिर्ची. अरे ये पार्किंग में जाती ना गाड़ियों में से नींबू मिर्ची उठा के लाती है. अरे शर्म नहीं आती तुझे? अरे नहीं. हाँ वो नींबू जीजू के लिए है, उन्हें नींबू पानी पीना था. नींबू जीजू के लिए? मिर्ची किस जीजू के लिए? मिर्ची किसके लिए? मिर्ची दीदी को दाल में तड़का डालने के लिए, उसके लिए. और ये धागा? तुम्हारे होठों को सिलने के लिए. अच्छा हम थोड़ी देर के लिए होठों का टॉपिक भूल भी जाए ना. हाँ, प्लीज. ये नहीं जाने देती. पूरी भैंस ने गोबर कर दिया है, आके उठा ले, फिर बोलेगी ठंडा हो गया है.
जा अभी फिलहाल उधर गोबर निकला हुआ तुम्हारी भैंसों को उधर जाके समेटो उसको आगे ही कटेंगे ये बैग लेके जाओ जा। एक बार इमरान भाई के लिए श्रेया के लिए जोरदार तालियां हो जाए। इमरान भाई ने एक किताब लिखी है तो ये बुक है द किस ऑफ लाइफ तो ये इमरान भाई बेहतर बताएंगे कि उन्होंने क्यों लिखी है। जी इमरान भाई वेल पता नहीं जिन लोगों को पता नहीं है 4 साल पहले मेरे बेटे को किडनी का कैंसर हुआ था और एक बहुत ही टेस्टिंग टाइम था हमारे पूरी फैमिली के लिए तभी मैं आपके शो पे भी आया था उसके बाद। जी जी आई नो और बहुत सारे लोग होते हैं हमें कैंसर के बारे में पता है लेकिन बहुत सारी चीज़ें नहीं पता है। जी तो जब हम एज पेरेंट्स रिसर्च कर रहे थे तो बहुत सारी चीज़ें हम जान चुके थे एक साल बाद एज पेरेंट्स हमें लगा कि ये हमें एक तरह से शिक्षा लोगों को देनी चाहिए कि अगर आपके फैमिली में से किसी के पास कैंसर है तो आप इसको इफेक्टिवली फाइट कर सकते हैं। अभी पूरी तरह से स्वस्थ है जब हमारा एपिसोड शो होने वाला है। जी 5 साल मेरे बेटे के कंप्लीट होने वाले हैं तो दैट इज लाइक अ लैंडमार्क फॉर हिम। जो एक रेमिशन फेज होता है जनरली ट्रायल्स होती हैं 5 साल के लिए 10 साल के लिए तो वो 5 साल कंप्लीट करेंगे एंड ही विल बी डिक्लेयर्ड बाय द डॉक्टर्स एज कैंसर फ्री। चलिए भगवान हमेशा खुश रखे उसको तंदुरुस्त रखे। थैंक यू सो मच फॉर दिस बुक इमरान भाई। और नहीं एक दूसरी बहुत ही एक बड़ा खुलासा हमारी फैमिली को ये हुआ था कि जेनेटिक जो होता है फैमिली में अगर आपके माँ बाप को है अंकल को है किसी के पास है तो सिर्फ 10% चांसेस हैं कि आपको हो सकता है लेकिन 90% ऐसे चांसेस हैं जैसे अगर आप बुरा खाना खाते हैं राइट अल्कोहल स्मोकिंग गुटखा ऐसी चीज़ें हमारे देश में बहुत प्रेवलेंट हैं राइट और इसके वजह से एक बहुत बड़ी तादाद से लोगों को कैंसर मिलता है राइट अगर इन सब चीज़ों को वो रोक दें जी बुरी आदतों को तो उन्हें कभी कैंसर नहीं होगा। तो ये बुक जो है वो आप ज़रूर पढ़ें द किस ऑफ लाइफ जिनको भी जिनके नज़दीकी जिनके दोस्तों मित्रों में कभी आपको लगता है कि किसी को प्रॉब्लम है तो आप अपने ज्ञान की वजह से आप उनकी बहुत मदद कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच इमरान भाई फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच श्रेया। थैंक यू एक बार जोरदार तालियां इमरान हाशमी थैंक यू और श्रेया धनवंतरी के लिए। थैंक यू सर आपको चीट इंडिया के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। ये फिल्म आपकी बाकी फिल्मों की तरह बहुत ज्यादा सक्सेस हो। श्रेया आपको बहुत बहुत मुबारक और ढेर सारी शुभकामनाएं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। और आप सब लोग भी हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो ओनली ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन। गुड नाइट शुभकामनाएं। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।